मैं चाहूंगी कि राहुल गांधी जी को इसके बारे में पता चले uh, उनको पता लगाना चाहिए क्योंकि एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके देश में है और जो कि बहुत प्रोग्रेसिव काम कर रहा है इसके बारे में एक लीडर को पता होना बहुत जरूरी उन्होंने ये बोला कि आई डोंट हैव डिटेल्स ऑफ एन एंड स्टफ लाइक दैट तो डिटेल्स ऑफ एन Uh, उनको डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि एन बहुत नेशनल लेवल पे वर्क करता है और अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनको आइडिया होना चाहिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि एन सी 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 सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स के बारे में उन्हें नहीं पता और उन्हें एन सी सी ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो जिस पद पे वो अभी हैं ही इज़ नेशनल प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी और वो माने जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी हैं तो एक ऐसे इंसान से ये स्टेटमेंट सुनना कि उन्हें एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता इट लीव्स मी इन शॉक एंड आई फील वेरी डिस्गस्टेड बिकॉज एनसीसी इज़ द लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ लाइक फिफ्टीन लैक्स इन द कंट्री तो आप पंद्रह लाख लोगों को एक इतनी बड़ी कंट्री में कैसे इग्नोर कर सकते हैं अपकमिंग इलेक्शन में कर्नाटका में गए हैं उन्होंने वहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं एनसीसी के लिए जो जो कुछ कोशिश होगी मैं पूरी कर सकूँगा ठीक है बट उन्होंने जो ये कहा है कि मैं एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में एनसीसी सी स्टाफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखता हूँ तो सर मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले एक प्राइम मिनिस्टर जो दो के लिए एक प्राइम मिनिस्टर जो अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा रखते हैं अगर वो एन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एन ट्रेनिंग और इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मेरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर के लिए इतनी बड़ी पोस्ट के लिए बनना बिल्कुल सही नहीं होगा उनके लिए